मस्ती ही मस्ती सीतापुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम देखते रहें। न्यू पब्लिक सुपरस्टार संगीत पार्ट ग्राम शिवपुरी पोस्ट रामकोट ब्रांच फ्रेसेमा जिला सीतापुर पार्टी राज के खून का बदला खून डाकू ऊधम सिंह पार्टी चंद्र राजपूत पार्टी मालिक छोटकंडे मास्टर पार्टी मालिक प्रमोद कुमार जाना था गंगा मुझे मालूम है जानता हूं कि मेरे राज में इस समय सूखा पड़ गया लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं चला ना ही तो सेनापति ने बताया हाँ कोई जनता परेशान है। अरे कारिंदा तुम ये क्या खबर सुनाया है कि हाय मेरी जनता भूखों से परेशान बेताब है। काम करो कहिए महाराज। कारिंदा इसी वक्त हमारे दरबार में तुरंत सेनापति भंवर सिंह को प्रेस नौकर जाओ सेनापति को बुलाकर ठहरा दरबार में लाओ। जय श्री अज्ञा सरकार। जाओ सेनापति भंवर सिंह अचानक बुलाने का मकसद जानना चाहते हो तो मैं आज से तुमसे पूछूंगा साफ साफ इजहार करोगे। बोलो मालिक। सेनापति भंवर सिंह राज्य का कैसा कारोबार राज्य का कैसा कारोबार बताओ सेनापति सही सही बतलाइए सेनापति इतना बताओ कि मेरे दरबार में कमी क्या है और मेरी रैयत किस प्रकार से रह रही है। बस मालिक या विराज के विषय में मालिक जानना चाहते हो तो सुनो राज का अच्छा कारोबार। हाँ महाराज राज का अच्छा कारोबार ध्यान से सुनिएगा महाराज।
बाबा नहीं बनते हैं, पास सबके 10-20 हजार इतना जबरदस्त सूखा पड़ने के बावजूद हमारे रैयत में सब प्रसन्न हैं, सभी खुशहाल हैं। मालिक ऐसा कोई गरीब किसान नहीं है, ऐसा कोई मजदूर नहीं है जिसके पास 10-20 हजार रुपए बनाए नहीं। क्यों कारिंदा तो मुझसे झूठ बोलता है? सेनापति भंवर सिंह का कहना है रैयत में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास 10-20 हजार बनाए नहीं बनते हो। और एक तरफ तू कहता है कि महाराज रैयत पर ध्यान नहीं देते हो, अन्य जल से बेताब रैयत परेशान। आखिर झूठ बोलता है क्यों सेनापति जी? कहा कारिंदे मान सिंह, झूठ बोलने की आदत सुध में पड़ गई है क्या? कारिंदे मान सिंह ऐसा कोई गरीब किसान नहीं है, ऐसा कोई मजदूर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास 10-20-50 हजार रुपए बनाए नहीं। सभी के पास है। हाँ। तो हम बताओ हमारे दरवाजे पे दो भैंसिया बंधी है, ये जो लड़की रो रही है क्या कुछ पीती है? सिंह सारी जनता मर रही है, चह चह कर रही है और तुम कहते हो 10 हजार रुपए? जनता कह रही है कि तुम कह रहे हो? मैं नहीं, ये जनता खुद गवाही दे रही है। कारिंदमा सिंह ज्यादा अगर बात पढ़ा गई तो समझ लो पूरी तरह। में विवाद करना चाहते हो? नहीं, परेशान मत हो दाढ़ीवान। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट पे रोने की आवाज लग रही है। कौन इंसान रोता हुआ नजर आ रहा है? आने दो, पहले तुम लोग शांत से। ये हमारी रैयत आई हुई है और हम रैयत से अपने कुछ मालूम करना चाहते हैं। जब तक हमारा राज का कोई भी कर्मचारी इधर उधर नहीं होगा, दरबार के सभी दरबारी उपस्थित रहेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, परेशान मत हो। राज दरबार में आए हो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आए हो किसी और से? आए हो किसी और से? क्या है तुम्हारा नाम? नाम नाम बदलाए कहाँ जानना चाहता हूँ कहाँ के रहने वाले हो? महाराज जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? तो सुनो महाराज, रैयत हूँ महाराज की,
है खेती का शाबाश। वाह, तुम्हारा सुंदर नाम दयाराम है और गांव तखतपुर से आए हो। लेकिन दयाराम आज है ये गंभीर, तुम लोगों को देख रहा हूँ कि गंभीर दशा दिखाई दे रही है। सबके सबके आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? अरे हमको तुम्हारे पास मुकदमा अन्न नहीं प्राप्त हुआ और हम नहीं, ये हमारे परेशान नहीं हो। हमारे राज के राज दरबारी कहाँ चला गया? दरबारी यहाँ हो। ये सब बेचारे गांव तखतपुर से आए हुए हैं, बहुत भूखे परेशान हैं। पहले काम करो, जाओ राज दरबार का जो भंडारी है उसे कह दो तुरंत तत्काल भंडारा तैयार करे, हमारी आम जनता आई है, उसे तुरंत ऑर्डर करो। परेशान मत हो, अब पहले तो तुम लोगों को अभी खाना मिलेगा। लोग मचा रहे हो, भाग रहे हो, क्या बात है? भागने की क्या जरूरत है? देखो महाराज, हमारे पैर पर पैर कूदते हैं और आंखें बनाते हैं। सेनापति भंवर सिंह, मैंने पहले कहा कि जब तक हमारी ये गरीब रैयत राज दरबार में नहीं बैठती तब तक तुम लोग कोई उत्पात नहीं मचाओगे, परेशान नहीं करोगे और राज दरबार में पता परेशान कर रहे हो, तो फिर इसके पीछे क्या हाल होगा? परेशान मत हो। सेनापति भंवर सिंह मालिक महाराज, यही है हमारे गरीब रैयत, जो कि हर इंसानों के पास 10-20 हजार बनाए बनते हैं, यही तो है मालिक महाराज। है गरीब जनता, इनके पास 10-20 हजार बनाए बनते हैं। जात तो जरूर है मालिक, लेकिन कल ही सुबेरे कह रहा है हमारे यहाँ खटिया पर बैठ जाए। मरी जी एक नाई डेर भैया, चाहे मरी जाई ही नहीं मालिक, हमारे ही आगे ये खटिया पर बैठी के जाए। खूब पूरी यहाँ भारी की बोतल रहा है, ढग 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 पिएगी, वही के बाद हमसे कह दे तुम्हारी आंखें क्या जैसे टरा क्या फोकस। ये हमारे दुआरे के और ठंडिया जी, ठंडिया जी सवारी अपन और पलक्का बना रहा है बैठी के। हमने यहाँ झुआ झुआ लड़का लौड़िया चले, हमारी बहनी आई रे रक्षा बंधन, अब ये नशे की हालत में ऐसे ऐसे करे तो हम कहीं इतनी जिंदगी की बहन की पूरी। सेनापति, यही है हमारे गरीब रही, देख रहे हो महाराज, आज की गलती मेरी माफ हो, और जब तक जीवित रहूंगा मालिक तब तक ऐसी गलती नहीं। तेरी गलती माफ कर दूं?
महाराज विजय सिंह की जय हो, महाराज विजय सिंह की जय हो, महाराज प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, ऐसा ही होना चाहिए। निगर गवा काटा, दयाराम दयाराम मालिक, आप लोग नहीं और अपने सभी गांव निवासी से कह दो कोई व्यक्ति रोएगा नहीं, कोई आदेश दे दिया है भंडारा के लिए। भाई रोना नहीं, ये महाराज का कहना है। दयाराम कहो, पहले तो तुम लोग, भंडारा तैयार हो रहा है, सभी लोग खाना खाओगे। महाराज कारिंदा, उसके बाद तुम्हारा एक काम है, जितने हमारे दरबार में हमारी रैयत आई हुई है, खजाना हमारा खोल दो, इन बेचारों को दान दो, इतना दान दो जो कि इनके घर में बच्चे भी सुखी रह सकें। मालिक तनु हमका तेल जरूर दवाई दियो, छोटी बिटियावा है वही के तेल लगाई भी जाए। ठीक है, जो कुछ तुम लोगों को आवश्यकता हो कारिंदा कारिंदा से मांग लेना। राजा कैसा हो, विजय सिंह जैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, परेशान मत हो। कहो मालिक। देखो ऐसा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं हमेशा यही सोचा करता हूँ कि तुम लोग हमारी रैयत हो, और रैयत राजा से होते हैं, और राजा है जो प्रजा से। अगर तुम लोग प्रजा होकर हमारी राज में तकलीफ उठाओगे तो राजा फिर किस काम का, समझे? ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, पहले तो काम करो, इन बच्चों को खाना पहले खिलाना, ठीक है? और उसके बाद जो कुछ दिया जाएगा वो दान के रूप में, कर्ज के रूप में। जय श्री अज्ञा सरकार। मैं जा रहा हूँ, चलो आराम कुछ मालिक। बैठो, सभी को बैठो, अपने पीछे के बैठ जाओ, धैराम बैठो। हे नौकर, नौकर क्या बात? महाराज के कहने के मुताबिक सभी लोगों को अनुदान मिलना चाहिए, और कोई भी महाराज के दरबार से विमुख होकर के जाना नहीं चाहिए, ये महाराज का सख्त आदेश है। अगर जरा सी गफलत की तो समझ लो कि मेरा भी नाम कारिंदा है। इसलिए महाराज के हुक्म का पालन करना हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है, उनके पालन को पूरा करो। सब अन्नदानु बटी बाब है, हिया 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 हो तो मैंने सब मां क्या मुखिया हो। हाँ या मुखिया है, तुम नेता हो, क्यों नहीं? तुम्हें का चाहिए वो बताओ। पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये जो जनता है, यानी हमारे भाई बहने हैं, माताएं हैं, इन्हें जिस चीज की जरूरत है खाने को दो, और कुछ पैसे दो, जिसको जो जरूरत है वो बांटो, इसके बाद में मुझे जो चाहे वो दे। हम कह रहे हैं तुम कई पहले दे डरते ने विदा करते नहीं आते ने। और का सबका देव हमारे कोई बप्पक जाए नहीं रहा, महाराज का आदेश हो। जल्दी बोलो। ठीक, तुम्हें का चाहिए बताओ। बैंगन क्या रहा भाटा भत्ता, कोई कमी है ना महाराज जी के दरबार में? यहाँ आदेश है, पैसा टका सब मिली तो मैं चलो अब तुरंत भंडारा पहुंचो, खूब नहा खा के भरता खाओ। चलो क्या बताओ, बड़ा ही रहे हमारे वहां रहो, हमका चावल लाओ, गेहूँ लाओ, सब्जी लाओ, दाल लाओ, और का चाहिए? बोरिया लाए, बोरिया बोरिया नहीं तो तौलिया है। हम बताए तुम गोदाम के मोहरे में नेहरू चले पकड़ के अच्छा गोदाम जाइए, चलो ठीक जाओ। आओ, एक बात बताओ, बताओ भैया,
भैया ना मर चल दे मुंह तेरी हो आखिर काहे हम का कहो भैया अब हम ऐसी वैसी मजदूरी करे तुम घर को लवा करो अरे ना भाई ऐसे नहीं का तुम हो गरीब हो का अरे भैया अब जब गरीब भगवान बनाए तो का करी हाय यार भगवान बनाए ने खटुआ बिरवा तो ना लदे हो भगवान बनाए ने मन होए तो उन्नी में चार छह दिन बाद बेली चले लगे मन होए तो उन्नी बेली पर काम करो खूब मई पियो मोर योर कद कदाई जाओ अरे जब भैया बेली चलती नहीं तले तो कुछ करे हाँ यह बात सही है ए? तो तुम का ले आओ अरे जो उन कुछ हो ही सके भैया आटा चावल तो उन दे दो या का चीज बताओ आटा ले हो कि चावल नहीं आटा ले चावल ले दाल ले हम बताई तुम पहुंचाओ गोदाम के मुहर्रम बह सके हम दोनों दो जने हैं हमरे यहां हैं तुम्हारे यहां ही हैं हां अरे तन को तेल मांग लिया तेल ए लौड़िया बताओ थे लौड़ी तेल लगाओ का तुम को क्या लगे जरूरत पड़ते है का अरे अब है समरे तेने तो उठे हैं अरे हट छिनका ऐसी महक नहीं खपड़ी पर चढ़त चली आती है करू तेल दिया तेल करू तुम्हारे ऊपर हाथ कह लगाए धरे देती हो दूर से बात करो अरे भैया हम बताई तुम करो तेल ले हाँ। दालू ले हाँ। चना की दाल ले हाँ कि मसूर की ले हाँ काहे की ले हाँ। मिलवा दे चलाई के उल्टी की दाल खो लिया हूँ चलो तुम्हारे पकड़ी बोरिया शिकल दे चलाई और टेढ़े दो जने ला दिल चले जाओ हम ला दिले आओ तो भैया सोच समझ बोल ली के तुम काले हो हम बहुत वैरायटी बन जाती है आसन आसन हां बिल्कुल दे अब हमारी अम्मा है बूढ़ी अच्छा और उनके दांत है ही नहीं तो चावल दे दो व्यासन दे दो लपटा बनाई खई है यह बात सही से तुम्हार लपटा खाए वाली बड़ी उनाई है हमार नहीं है चलो हम बताई हाँ तुमका ब्यासन के पूरी बोरिया लदाई दी चले हमका हाँ हमारे आदमियों को लदाई दे ए तुम हो आए हो हाँ इनके मां तो भगवान तुम्हारे सुनी नहीं सही सुने ना है बच्चा बच्चे गांठ ला रहे ब्याह रे हो रहे हैं अच्छा हाँ सो यार जुगाड़ी और हम का दियो इसके बाद में ईका दियो और कौन चीज दे हो यहां बताई दियो काम में गैया और कैया वाली बात ना कही दियो तुम जब दे लगे हो तो हम का लेवास लागे है चलो का ले हो कहां चली कहां लेवा सीधो हमारे पछोरे वाला कुछ है ना अच्छा हम का दे आटा हम का दे झौवा बनी भाटा और के बाद में दियो कहियो यहां दियो आलू बनी कमी कोई चीज के नहीं है चलो पहुंचो गोदाम दोनों जने तुम का ले हो तीन चार दिन ही गए रोटी ना मिली है रोटी हाँ चोखा पड़ेगा वहाँ ले हाँ का यू बता हम ले आटा ले चावल ले दाल ले सब्जी ले एक हजार रुपया ले यह लेखा सोच के बात कही कौन हमारे तीर्थ जाए रहे तुम्हें एक हजार रुपया मिले हैं हाँ। कमी कोई चीज की नहीं है और कहीं ही आओ हाँ। ही तो ले जाओ तो ले जाओ अब हमारे घर ही आए हो दे दियो तुम ले जाओ हाँ अब तो ठीक है चलिए अब करो हमरे कोई आउ नहीं अब तुम आओ कहूं उठाओ यह बात सही चलो देखो वैसे सबका दे हम दे हां हां अब तुम रहो नेता आदमी मैंने इनके सबके गरीबन के यार तुम काले हो बताओ देखो अब हम जान ले सब कुछ पाएगा क्या हमारी जनता हमारे पाएगा तो हम जानो सब कुछ पाएंगे यह बात सही हम बताई सुनो हमारे यहां हमारे यहाँ मेहरुआ तुम हमारे घर चले आयो घी जोर जोर रखी छे अच्छा और तुम घी खाओ थोड़ा तंदुरुस्त आई जाओ अरे कहो ना देखो भगवान ने चाहे सब कुछ बन जाएगा और भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए यह बात वो कभी कभी भगवान कभी ओ कभी कभी भगवान कभी भक्तों से कानून पड़े जाना था गंगा
तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? हमारा बड़ा कवा हो काय रहा कौन? क्या कर रहे तुम लोग? बहुत गलत, बदतमीजी क्या करते हो? बहुत गलत हुआ, बहुत। देखो नौकर जी, तुम भी नौकर हो दरबार के और मैं भी हूँ जी, लेकिन मेरा पद ऊंचा है और तुम लोग लेबर कास्ट में रहते हो जी हाँ, लेकिन जो आज मैंने किया है वो बहुत मुझसे गलत हो गया है। बहुत गलत होगा मालिक, क्योंकि मुझे सेनापति भवन से की शिकायत करना नहीं चाहिए था। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी वजह से सेनापति भवन सिंह को पैर की ठोकर मार करके राज दरबार से बाहर कर दिया गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इससे भी बुरा कोई दूसरा सेनापति आ गया तो बहुत बुरा होगा, तो हो सकता है कि हम दोनों की को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसलिए हम दोनों लोग चलेंगे महाराज के दरबार में, उनसे खुशामद और उनसे खुशामद करेंगे, कहेंगे एक बार जो एक बार हर एक इंसान की गलती को माफ कर दिया जाता है। हाँ। इसलिए महाराज आपसे विनम्र निवेदन है कि सेनापति भंवर सिंह को फिर से दरबार में ड्यूटी पे वापस ले लिया जाए। इसलिए चलो महाराज के दरबार चलते हैं। महाराज की जयकार हो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, कहो राज दरबार के दरबारी हमारी रैयत कोई परेशान तो नहीं है? ओ मालिक कोई परेशानी नहीं है मालिक, सबको खाना मिला, सबका पूरा देश काम भवा, अनदान दे दिया बिल्कुल, तौन तत्ता मांगे तहका तत्ता दे, शाबाश, तौन रुपया मांगे रुपया दे, आन्नू मांगे आन्नू दे। यही होना चाहिए, हमारे राज दरबार में कोई इंसान आ जाए वो राज दरबार से बेमुख नहीं जाना चाहिए। मालिक मालिक परेशान हो? हाँ क्या बात, क्या है? बताऊंगा महाराज, महाराज नई बात तो कुछ नहीं और बात बहुत बड़ी बन गई है। बात मैं ये आपसे हाथ छोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, निवेदन कि सेनापति भंवर सिंह को वापस राज दरबार में बुला लिया जाए। क्या तो पागल हो गया है, इतना नीच सेनापति भंवर सिंह, हरे मेरी जनता के साथ में इतनी बड़ी घात, उसके बाद हम उसे माफ कर दूं? कभी नहीं।